तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A9 की। जहाँ दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन में हमें रियर साइड में 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस और प्राइस की बात करेंगे। तो दोस्तों बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर राठी, आपका स्वागत करता हूँ फालतू टेक चैनल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन साइज़ की। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A9 में हमें 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसका स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशो होगा 18:9। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A9 पर हमें कोई नोच देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के परफॉर्मेंस की। तो सैमसंग गैलेक्सी A9 में हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन दो वेरियंट्स में आता है, 6GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज। हालांकि दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड की सहायता से 512GB तक आसानी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसमें हमें माइक्रो SD कार्ड के लिए डेडिकेट स्लॉट अलग से देखने को मिल जाता है। ये तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन के परफॉर्मेंस की बात। बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के कैमरे की। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मोबाइल फ़ोन में हमें रियर साइड में 4 कैमरे देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो हो गए 24 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और दोस्तों 10 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के 4 कैमरे हमें रियर साइड में देखने को मिलते हैं। दोस्तों रियर साइड में इसमें LED फ्लैश भी मिल जाती है। बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे की। तो सैमसंग गैलेक्सी A9 में हमें 24 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो सेल्फी के लिए एक अच्छा कैमरा माना जाता है। बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी 4G होगा, वाईफाई ब्लूटूथ मिल जाएगी दोस्तों, 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक भी दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन में हमें देखने को मिल जाता है। सभी तरह के बेसिक सेंसर और फिंगरप्रिंट स्कैनर मोबाइल फ़ोन के रियर साइड में बीच में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की बैटरी की। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A9 में हमें 3720mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। ये थी दोस्तों मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस। बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के प्राइस की। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A9 के बेस वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट्स के प्राइस 36,990 रुपये में इंडिया की मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ क्या मोबाइल फ़ोन आप लोगों को खरीदना चाहिए नहीं। अगर दोस्तों मैं स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बात करूँ तो दोस्तों एक अच्छा मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि इसमें हमें 4 कैमरे मिलते हैं और अब प्रोसेसर भी इसमें हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 एक पुराना प्रोसेसर है, पर दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन के प्राइस 36,990 रुपये दोस्तों हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि दोस्तों 36,990 रुपये में हमें दोस्तों इस ऑप्शन में हमें दूसरे मोबाइल फ़ोन भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे OnePlus 6T और Asus 5Z जैसे मोबाइल फ़ोनों में देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A9 के प्राइस 30,000 रुपये से नीचे रखे जाते हैं दोस्तों एक अच्छा मोबाइल फ़ोन साबित हो सकता है। मेरे हिसाब से दोस्तों मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस तो अच्छी दी गई है, बस प्राइस इसके ज़्यादा रखे गए हैं इंडिया की मार्केट में। तो अगर दोस्तों आपके हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों साइड में उस घंटे को भी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।